नमस्कार माधव टेलीविजन रो न्यूज टाइम को आपण मन को स्वागत करू छी मुमरुन मई। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। बिजुली जोगाण रे अव्यवस्थार प्रतिकार और 200 यूनिट विद्युत बिल छाड़ दाबी। विद्युत विभाग कार्यालय सम्मुखरे सीपीआर विक्षोभ। बालेश्वर सदर तहसील कस्बा दहपड़ा बालीसरायत में बेआईन बाली उत्तोलन अभियोग। तुरंत बालीसरायत लीज बातिल सह लीजधारी विरोध में कार्यानुष्ठान दावी कले नगरम और दहपड़ा पंचायतवासी। बालेश्वर में पालित है आंतर्जातिक पृथ्वी दिवस। मारवाड़ी महिला समिति पक्ष अनुष्ठित सचेतनता शोभायात्रा। बालेश्वर में दिनकु दिन बढ़ुछि ग्रीष्म प्रवाह। जिलापाल कार्यालय परिसर में सांबादिकों पक्ष आरंभ है जल छत्र। बालेश्वर में उद्घाटित है आईटी कंपनी एचपी रो एक्सक्लूसिव शोरूम। गोटे छात तले कंपनी रो समस्त मॉडल रो कंप्यूटर सामग्री पाइबे ग्राहक। वर्तमान संपूर्ण खबर। बिजुली जोगाण रे अव्यवस्थार प्रतिकार और 200 यूनिट विद्युत बिल छाड़ दाबी रे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बा सीपीआई पक्षरु समग्र राज्य रे विद्युत विभाग कार्यालय सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शित होइतिबा बेले बालेश्वर रे मध्य अनुरूप कार्यक्रम अनुष्ठित होइ जाइछि। एही परिप्रेक्षीरे सीपीआई कर्मी माने फांडी छकरु एक शोभायात्रा रे सहर परिक्रमा सह काली मंदिर निकटस्थ जिलार प्रथम विद्युत ऑफिस पावर हाउस सम्मुखरे पहुंचीथिले। पर सेठे बर्षियान वामपंथी नेता गौरांग पाणिग्राही अध्यक्षतार आयोजित विक्षोभ प्रदर्शन और प्रतिवाद कार्यक्रम देवेन्द्र जेना श्यामसुंदर जेना आलोक दास नारीनेत्री वंदना पात्र भरतचंद्र सेठी और सुहागी माझी प्रमुख जोगदे अतीतर घर विद्युत कंपानी और एवर टाटा कंपानी ग्राहक शोषण नीतिर तीव्र समालोचना करते। आईपीडीएस योजना माध्यम रे सरकार घर विद्युत कंपानी मान भित्तिमि विकास देखा कोटि कोटि टंका अनुदान तोषारपात होता से अभियोग करते। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह बेले दिनकू बारंबार अघोषित बिजुली काट जनजीवन को अतिष्ट करमती दीर्घ समय बिजुली काट फल इनभर्टर काम करूनी। वर्तमान प्राथमिक विद्यालय विश्वविद्यालय पर्यंत छात्र छात्री मान परीक्षा आरंभ होता बेले बिजुली काट से पाठपढ़ व्याघात सृष्टि करतीबादकारी आरोप उठाई। संध्या समय रे बिजुली काट क्षुद्र व्यवसायी प्रतिष्ठान मानकर क्षतिर कारण होइछि से माने कहिथिले। सहरांचल रे बिजुली काट जोगु पानीय जल समस्या उत्कट होइछि बोली से माने अभियोग करिथिले। ओडिशा बिजुली उत्पादन रे एक बड़का राज्य बोली सरकार कहुथिबारु समस्त विद्युत ग्राहक मानको मासिक 200 यूनिट पर्यंत विद्युत बिल छाड़ पई और कृषि क्षेत्र को मागणा बिजुली शक्ति जोगाई देबाकु पार्टी पक्षरु दाबी करा जायथिला। त्रुटिपूर्ण बिलगुड़िक संशोधन बदल में जोर जबरदस्त कंपानी कर्मचारी विद्युत आदाय को निंदा करपरि ग्राहकों अनुपात कर्मचारी निजुक्ति और अस्थायी श्रमिकों स्थायी निजुक्ति दावी करा। राज्य सरकार जोबले उचार विद्युत को घर करण कले राज्य विद्युत बोर्ड को भांगिक घर करण कले से कहगला जे जो कंपानी मैंने आसवे से मैंने नियमित बिजुली शक्ति जोगेबे एवं 24 घंटा बिजुली शक्ति लोक पाइबे लोक माने असुविधार सम्मुखीन हेबे नाही। सेतबेले आमे जानिथिलु व्यापारी माने आसिले कोन हबो एक कथा मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी आम माने आगरु जळैथिलु किंतु राज्य सरकार आकु लागू कले तापरे रिलायंस आसिला नेस्को आसिला एबे आसीछि टाटा जो माने अतीतरे प्राइवेट कंपनी माने प्राय 12,000 कोटी टंका लूट करी भारत वर्ष जो ओडिशा चली जाइछंती बड़का विद्युत राज्य कह जाऊार आपण मैंने सांबादिक आपण मैंने विद्युत ग्राहक आपण देखु दिन को 10-12 थर बिजुली काट हो जो मैंने पिला पाठ पढ़ु बर्तमान परीक्षा समय आसला हाईस्कल ठार कलेज यूनिवर्सीटी परीक्षा आरंभ हो पिला मैंने मोबाइल टर्च में पाठ पढ़ु ये अवस्था लागू होता बेले आज कम्युनिस्ट पार्टी समग्र ओडिशा रे विभिन्न स्थान रे प्रतीक भाव हेले आंदोलन करुच्ची ये आंदोलन आम केते संख्या रे लोक आसचु बड़ कथा नुहे ये दाबी सहित अगणित विद्युत ग्राहक रही आम कौ कृषि क्षेत्र को मागणा विद्युत बिल दि जाऊँ साधारण ग्राहक मान को 200 यूनिट पर्यंत छाड़ करा यहाँ आम मुहर कथा नुह दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार यहाँ कर देखे सारे ओडिशा सरकार जो विभिन्न क्षेत्र में बदान्यता देखा लोक को
विभिन्न स्वार्थ दान करेणु विद्युत उपभोक्ता समस्ते धनी ठारू गरीब पर्यटन समस्ते विद्युत व्यवहार करेणु सर्वसाधारण 200 यूनिट पर्यंत मागणा विद्युत दि जाऊ जो त्रुटिपूर्ण बिजुली बिल नेस्को मिला टाटा जुलम कर बर्तमान जो आदाय कर आदाय बंद हो आईनगत भाव तार जी प्राप्त से पाऊ आम के टिकस फांकी सपक्ष प्रतिवाद कार्यक्रम शशिकांत बेहरा संतोष रणा वेणुधर बारिक प्रमुख नेतृत्व नहीं जतीन्द्र पात्र शेषे समस्त धन्यवाद देते बालेश्वर सदर तहसील अंतर्गत बुढ़ाबलंग नदी कसबा दहपड़ा बालीसरियातरे बेआईन बाली उत्तोलन को विरोध सह सदर ब्लक्र नगरम और रेमणा ब्लक्र दहपड़ा ग्राम पंचायतर फुलवार कसबा कालीपुर खेजुरपुर दहपड़ा कंटाबणिया गंभारिया और धरमपुर ग्रामवासी माने जिल्लापालों निकट में कार्यानुष्ठान दाबी जनाइछन्ति सेमानक अभियोग अनुसार कंटाबणिया ग्रामर करुणाकर दास 2017-18 रु 2022-23 आर्थिक वर्ष अर्थात 5 वर्ष संपृक्त बालीसरियात को राजस्व विभाग ठारु लीज सूत्र बाली उत्तोलन कौन जांत्रिक व्यवस्था व्यवहार निम्ते नियम नथिबा बेले प्रतिदिन पक्लेम मेसीन साहाज्यरे बेआईन भावे नदी गर्भरु बाली उत्तोलन और परिवहन कराउछि संपृक्त सैरायतर समुदाय 37,400 क्यूबिक मीटर बाली उत्तोलन अनुमति थिबा बेले प्रतिदिन पक्लेम मेसीन साहाज्यरे नदी गर्भरु बेआईन भावे मात्राधिक बाली उत्तोलन कराउछि एहाद्वारा सरकार संपृक्त बाली सैरायतर वार्षिक लक्ष लक्ष टंकार राजस्व हराउथिबा ग्रामवासी माने अभियोग करिछन्ति अन्यपक्षे अधिक बाली उत्तोलन और परिवहन धरा पड़ा भय तहसील कार्यालय मिलता के फर्म जाणीशु गाड़ी को दि जाऊना संपृक्त बालीसरियात ओडिशा लघु खनिज रिहाती नियमर गोटे हेले सर्त पालन करुवा बेले जातीय सबुज प्राधिकरण बा एनजीटी द्वारा अनुमति प्राप्त कि नहीं ताहाकु नहीं मध्य संदेह सृष्टि होइछि नदी पठाठारु 40 मीटर छाड़ी एवं मात्र 3 मीटर गभीर पर्यंत बाली उठाइबार नियम थिबा सत्वे बाली सैरात लीजधारी यार संपूर्ण अलटा अर्थात नदी पठारु खोली डंपर साहाज्यरे सहसर ट्रिप माटी चोरा चलाण करुछंती नदी गर्भरे सृष्टि होइतिबा 50 रु 60 फुट पर्यंत गंडरे बुड़ी एकाधिक व्यक्ति सलील समाधि नहीं ज्वलंत उदाहरण रही ग्रामवासी माने भविष्यत में बुढ़ाबलंग नदी में बन्या आसिले नदीर गतिपथ परिवर्तन होई निकटस्थ ग्राम मध्यकु बन्या जल पशिबार आशंका सृष्टि होई एथिनिमन्ते राज्य परिवेश और प्रभाव मूल्यायन कर्तृपक्ष राज्य प्रदूषण बोर्ड जिल्लापाल और जिला खणि अधिकारी पक्षर मिलित भाव आईन बहिर्भूत कार्यर तदंत से दावी करते बाली सैरात को तुरंत बाज्याप्त लीजधारी श्री दासों ठारु राजस्व आदाय गिरफ्त करा ग्रामवासी माने जिल्लापाल निकट में दाबी जनाइथिले लेखादान आम जे करुणाकर दास नहीं इलिगल ये कर माने नदी पठाकद्रु माने बाली उठाऊना नई तड़ा ताड़ू आटेई मागिथिले आटेई मागि तो माने तार अच्छे 3 मीटर खोलिया कथा सी खोल 30-40 फुट ना खोलुँ बाली कुंभारिया कसबा दुईटा बुढ़ाबल आसते आम तहसिलदार को भेटी तहसिलदार कही इमिडियेट मुझ एक्शन नेमी कही मार्किंग करी ये करी तो सबकटर कही सबकटर कह करी तो तार एडीएम को देते ये सार नथिले सबकटर कलेक्टर नथिले आम आज कलेक्टर भेटी कलेक्टर इमिडियेट एक्शन कथा कहले सबकट को आउ तार करे आम दाबी रखुंत आमर जेक नई तड़ा न हो पूरा इमिडियेट पूरा सब दिन खादान बंद हो सी गाई गोर पड़ कि मरुँचे मरुँच मनीष मरले रेवेन्यू पाइबे रेवेन्यू अनुसार से लीगली करूना इलिगली करम असुविधा जी पूरा बंद हो खादान खादान सब दिन बंद हो जाओ आमर दाबी ये आम बंद होगा मैंने से देख न चलला बेलू दुनिया झगड़ा पार्टी ये सी दुनिया हो धर किए गला बेलू किए हिंदू मुसलिम से लोक सब संप्रदायर लोक अच्छा से पूरा ये बेलू पूरा मारपीट हो बंद बांद ये सी दुनिया को हो डा रंग हो खादानटा बंद है सत आम गाँव भल रमें आगामी दिन तहसीलदार अफिसे घेराव कर ए संपर्क में एक दाबीपत्र से जिल्लापाल प्रदान करते दाबीपत्र प्रदान समय सृष्टिधर दास आकबर खां शेख हाफिजुद्दीन शेख यूनुस रमेश दास ज्योतिरंजन दास उपेन्द्र दास शेख रशीद हेमंत दास जितु दास शिबु दास आशीष दास शंकरषण दास लुलु दास प्रमुख उपस्थित थे
आंतर्जातिक पृथ्वी दिवस पालन अवसर में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन बालेश्वर शाखा महिला समिति पक्षर् स्वच्छ परिवेश सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित होती। शोभायात्रा बालेश्वर सहर ललितेश्वरी कालीमंदिर निकटर बाहरी सहर परिक्रमा सह अतिरिक्त जिलापा कार्यालय निकट में पहुंची। मारवाड़ी महिला समितिर शताधिक सदस्य और बहु शिशु परिवेश सुरक्षा संबलित सचेतनता बार्ता को दर्शाई विभिन्न पोशाक पिंधि यह शोभायात्रा रे अंशग्रहण करते। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में, एक पेड़ संतुलन का यही है खेल, एक घर एक पेड़ संतुलन का यही है खेल। हमने यह ठाना है घर घर पेड़ लगाना, चारों ओर पेड़ लगाएं, पृथ्वी की शान बढ़ाएं, चारों ओर पेड़ लगाएं, पृथ्वी की शान बढ़ाएं, चारों ओर पेड़ लगाएं। हरी पृथ्वी वास्तव में एक स्वच्छ पृथ्वी है, पृथ्वी की शान बढ़ाएं, चारों ओर पेड़ लगाएं, पृथ्वी की शान बढ़ाएं, चारों ओर पेड़ लगाएं। जब तक कल सुरक्षित है, जब तक कल सुरक्षित है, जब तक कल सुरक्षित है, जब तक कल। एक घर बनाओ, हर आंगन में वृक्ष लगाओ, स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी, हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने, अब ना हम तिलवार करेंगे। दोहन किया प्रकृति परे सेठारे आयोजित सचेतनता कार्यक्रम में 2024-26 वर्ष पाई निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजु सरावगी जोगदे परिवेश सुरक्षा आम्भ समस्तंकर नैतिक दायित्व बोली प्रकाश करिथिले। पृथ्वी माता जत्न ने सहित ए दिगरे पिलामानंकु सचेतन करिबार आवश्यकता रहिछि बोली श्रीमती सरावगी अभिभावक मानंकु परामर्श देथिले। पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, हमारे जो भूमि स्थल है, जो हमारे वायुमंडल है और जो हमारी जल भाग है, उसका हम अपने बच्चों जैसे देखभाल करेंगे, हमारे परिसर को क्लीन रखेंगे और सबसे बड़ी बात कि हम अपनी धरती माँ को प्रणाम करेंगे। ये जो छोटे छोटे बच्चे डेली सुबह उठ के माथा टेको, धरती माँ को माथा टेकोगे नेगेटिव दूर होगी और धरती माँ के लिए प्यार उत्पन्न होगा और आपके एक्शंस हमेशा हमेशा धरती माँ के लिए उसकी रक्षा के लिए उठेंगे। बालेश्वर मारवाड़ी महिला समिति अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल पौरोहित करने सहित पुनः व्यवहार योग्य प्लास्टिक सामग्री व्यवहार सह प्लास्टिक बोतल रे वृक्षरोपण कपड़ा ब्याग और साइकिल व्यवहार उपरे गुरुत्व आरोप करिथिले। आज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे है और वैसे तो देखिए धरती माँ हम के लिए हम हमेशा ही प्रयत्नशील रहते हैं कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए करें और आज पूरे जब विश्व में ये शुभ दिन मनाया जा रहा है तो हम भी अपनी तरह से इसे स्पेशल बना के आज हमने क्लीन एनवायरनमेंट अवेयरनेस वॉक का अरेंजमेंट किया है। इसमें देखिए हमारे साथ बहने बच्चे जुड़े हैं, पर्यावरण के वेशभूषा में जुड़े हैं तो बच्चों के मन में भी अफेक्ट होगा और उनको देखने वालों के मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट होगा। और हमारा टैगलाइन है #GoGreen, इसमें देखिए हमने पौधे लगाए हैं और प्लास्टिक बॉटल को काट के यूज़ किए हैं ताकि ये रीयूज एंड रिसाइकिल का हमारा मोटो जो है वो फुलफिल हो रहा है। तो यही जैसे बूंद बूंद पानी से घड़ा भरते वैसे हम सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति अपना योगदान दें तो जरूर धरती माँ को बहुत सुरक्षित हम कर पाएंगे। समितिर संपादिका सोनाल मोदी एथिरे जोगदे जेपरी बुंदाए बुंदाए पानी हांडी को भरी दिए सेभली प्रत्येक व्यक्ति छोट छोट प्रयास रे निजर दायित्व निर्वाह द्वारा परिवेश सुरक्षा लक्ष्य पूरण सह आम पृथ्वी माता पुणी सबुज सुंदर होई उठिबो बोली मत प्रकाश करिथिले। हमारा मदर अर्थ डे है, पृथ्वी मातृ दिवस, तो हम कैसे पृथ्वी को हरा भरा रखेंगे, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जल को स्वच्छ रखेंगे, वायु को स्वच्छ रखेंगे, उन सब के बारे में हम आज अवेयरनेस का ये रैली किए हैं। स्लोगन करवा के, गाना बजवा के पर्यावरण के ऊपर स्लोगन्स, ऊर्जा एनर्जी के ऊपर, जल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर।
एही अवसर रे महिला समिति पक्षरु गो ग्रीन ट्यागलाइन अंतर्गत विभिन्न उपादेय उद्भिद बंटन सह परिवेश सुरक्षा पाई स्लोगान पोस्टर और ब्यानर माध्यम रे सचेतनता सृष्टि करबा को उद्यम करा जायथला। एही परिप्रेक्षीरे सेठारे उपस्थित थिबा समस्त व्यक्ति परिवेश सुरक्षा पाई शपथ नेथिले। कोषाध्यक्षा गीता सोमानी, क्षेत्रीय मुख्य निशा मोदी, परिवेश प्रकल्पर मुख्य कविता बाहेती, स्नेहा सराउगी प्रमुखंक समेत मारवाड़ी महिला समितिर बहु सदस्य एही कार्यक्रमरे जोगदेइ समस्त कार्य परिचालना करथिले। बालेश्वर समेत समग्र ओडिशारे एबे ग्रीष्म प्रवाह दिनकु दिन बढ़ुथिबा बेले विभिन्न संगठन पक्षरु सहररे एकाधिक स्थानरे जलछत्र खोला जाउछि। सेहिपरि जिल्लापालंक कार्यालय समेत कचेरीकु आसुथिबा शताधिक लोकंक तृषा मेंटाइबाकु बालेश्वरर सांबादिक माने जलछत्र खोली सेवा जोगाइबा आरंभ करिछन्ति। जिल्लापालंक कार्यालय परिसररे आरंभ होइथिबा ई जलछत्रकु वरिष्ठ सांबादिक देवव्रत पाणिग्राही उद्घाटन करिथिले। जलदान भली पुण्य काम आउ किछि नथिबा बेले सांबादिकंक पक्षरु आरंभ होइथिबा ई जनसेवा अत्यंत प्रशंसनीय बोली श्री पाणिग्राही कहिथिले। एहा द्वारा केवल जे सांबादिक माने उपकृत हेबे ताहा नुहे, विभिन्न कार्यनी जिल्लापालंक कार्यालयकु आसुथिबा साधारण लोके मध्य थंडा पानी पाई परिबे बोली सांबादिक माने आशा प्रकाश करिथिले। यार आवश्यकता जिल्लापालंक कार्यालयकु प्रतिदिन विभिन्न अंचलरु बहुत साधारण लोक आसुछन्ति। एही समस्याकु उपलब्धि करि आमे डिसाइड कलु जे आमे आपातत अफिस आवर पर्यंत आमे जेते समय रहुछु गोटे कि देढ़टा पर्यंत आम गोटे जलर व्यवस्था करूँ। आज प्रथम दिन आम तार इनाग्रेसन करें आशा करूँ खरा थिया पर्यंत आम कार्यक्रम जारी रखू। जेहेतु जिल्लापाल कार्यालय परिसर एर अभाव रही है और जिला प्रशासन पक्षर एटी लोक आसुले कौन जलछत्र व्यवस्था करना से समस्या को उपलब्धि कर। एही अवसर रे जिल्लापालंक कार्यालयकु आसिथिबा बीजेपी युवमोर्चा राज्य उपसभापति मानस कुमार दत्त सांबादिकंक प्रयासकु भूयसी प्रशंसा करिथिले। एहा अन्यमानक पई प्रेरणादायक हेबो बोली से आशा प्रकाश करिथिले। देखंतु गणतंत्रर चतुर्थ स्तंभ सांबादिक बंधु माने जो प्रकार भावरे ग्रीष्म माने एते त्राही त्राही लोक डाकुचंती खरारे एही प्रकार दही पाणी पानीय जल व्यवस्था करुचंती मुझे प्रथम आंतरिक साधुवाद जनाऊँ धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। ये प्रकार महत् कार्य सामाजिक काम निश्चित भाव लोक प्रभावित कर अन्य संगठन मानक प्रभावित करवल निजर कर्तव्य नुहे कि आम लोक ग्रीष्म प्रवाह में पा दवा यहाँ गोटे महत् कम तेणु मुझे अंतर साधुवाद जनाऊँ ये काम को से चालू रखत धन्यवाद ज्ञापन कर। अन्य गौरांग चंद्र दास, सोमनाथ साहू, जीवनज्योति नायक, प्रसन्नजित आस, रतिकांत पात्र, प्रकाश साहू, संजय दास, अरूप नारायण महांती, ब्रह्मानंद स्वाई, अजित महांती, अदीप जेना, मल्लिक रिजुआन, रमणी रंजन दास, सुशांत कुमार बेहरा, उबाचक महांती, सत्यजित सेनापति, धीरज कुमार दास, मृत्युंजय पट्टनायक, तपन दास, गोपाल दास, विनायक महापात्र, गणेश सेठी प्रमुख एथिरे उपस्थित थिले। आंतर्जातिक ख्याति संपन्न आईटी कंपनी एचपी रो एक्सक्लूसिव शोरूम बालेश्वर सहर आजिमाबाद रे उद्घाटित हो जाइछि। बालेश्वर सदर विधायक स्वरूप कुमार दास एही शोरूम को आनुष्ठानिक भाव उद्घाटन करथिले। कंप्यूटर सामग्री व्यवहार रे सबुठारु बेसी आद्रुत होइथिबा एचपी कंपनी रो एक्सक्लूसिव शोरूम खोलिबा बालेश्वरवासीक एक खुशीर खबर होइथिबा बेले ग्राहक माने गुटिए छात तले कंपनी रो समस्त प्रकार सामग्री पाइपरिबे बोली श्री दास आशा प्रकाश करथिले। तबे ग्राहक मानकु विक्रय परर उत्तम सेवा जगाई देबाकु से शोरूम कर्तृपक्षंकु परामर्श दैथिले। निश्चित भाव गोटे एचपी गोटे ब्रांड बहुत भल ब्रांड कंप्यूटर दुनिया रे विशेषकर आम एरिया जो एचपी वर्ल्ड आज नुआ शोरूम खुल एक्सक्लूसिव शोरूम खुलची मुझे धन्यवाद जनवि एचपी वर्ल्ड समस्त जो मैंने अधिकारी मैंने अच्छा ता सहित जेहतु एफ एम कलेज रोड में सब प्रकार क्लास और विभिन्न प्रकार जिन अनलाइन हो विशेषकर यही रास्त एचपी वर्ल्ड खुल निश्चित भाव तक आगामी दिन भल प्रडक्ट आम कलेज छुआ मैंने पाइबे ये अंचल गोटे भल रेसीडेल एरिया तो भल मार्केट सेयर मध्य रोज भल प्रडक्ट लोक मैंने पाइबे लेटेस्ट प्रडक्ट पाइबे सर्विस पाइबे मुझे कर्तृपक्ष सहित कथ हो रिगार्ड सर्विस आपत दौरान फ्रांचाइजी ओरिएंटेड सर्विस सब ये दौरान तो मुझे धन्यवाद जनाऊे शोरूम जो खुली आशा कर आगामी दिन भल बिजनेस कर उन्नति हो। बालेश्वर पौरपालिकार 15 नंबर वार्ड काउनसिलर संध्यारणी जेना और 9 नंबर वार्ड काउनसिलर संजीव दास उद्घाटनी उत्सव में सम्मानित अतिथि भाव जोगद शोरूम व्यावसायिक सफलता कामना करते। एचपी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर भुवनेश्वर स्थित सेवेक्स टेक्नोलोजी डीजीएम सुजित दास एगद एक्सक्लूसिव शोरूम आवश्यकता और उपादेयता संपर्क में सूचना देते।
କମ୍ପାନୀର ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମଡେଲର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଟେଲର କାଉଣ୍ଟରରେ ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ କ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଚ୍ପି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମିଳିବ। ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯେବେ ଯେମିତି 12 ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଟଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଏଠି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଡିସପ୍ଲେରେ ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ, ତାକୁ ନିଜେ ଚଲେଇକି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ପର୍ଫମାନ୍ସ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଏଚ୍ପିରେ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଭଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସର ବି ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଟାଇ ଅପ୍ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଇଏମ୍ଆଇରେ ଏଠୁ ନୂଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଏଚ୍ପି ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆମର ଏଠି ହାଇ ଏଣ୍ଡରେ ସ୍ପେକ୍ଟର, ଏନ୍ଭି ଏସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଠି ବାଲେଶ୍ୱର ତାର ଆଖପାଖ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆଇଟିର ନୂଆ ଏଚ୍ପିର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଚ୍ପି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍ର ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟରାୟ ଏଥିରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ରିଟେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ତୁଳନାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଦାମ୍ ଓ କମ୍ପାନୀ ଘୋଷିତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଶୋରୁମ୍ରେ ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ରେଣୀର ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଡେସ୍କଟପ୍, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ପିସି, କ୍ୟାଟ୍ରିଜ୍, ମାଉସ୍, କିବୋର୍ଡ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ଆଡ଼ାପ୍ଟର, ହେଡ଼ଫୋନ୍ ପ୍ରଭୃତି ରହୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଭଟ୍ଟରାୟ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି କମ୍ପାନୀରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ମାନେ ସ୍କିମ୍ ଗିଫ୍ଟ, ସେ ଜାଗା ଆମଠୁ ସେମାନେ ଭଲସେ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଚ୍ପିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍, ଆମ ଏ ପାଖରେ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିପାରିଲା, ସବୁ ଡିସପ୍ଲେ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ପାଉନଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିକି ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ରଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ନେବେ ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ କଥା, ସର୍ଭିସ୍ ତ ଆମ ଏଇଠି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିରେ ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି, ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି, ଯେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ସେଇଟା ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍। ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଇକି ବି ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ କମ୍ପାନୀବାଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ସାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ଆମର ଏଇଠି, ଆଉ ଅଫ୍ସାଇଟ୍ ବି ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ଅଫ୍ସାଇଟ୍ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିବେ, ଅନ୍ସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ସେମାନେ ଯାଇକି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ। ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁନି, ଆପଣ ନିଜେ ରହି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପଣ ଘର ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ, କେହି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆପଣ ଯାହା ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଆମଠୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଆପଣ ଆମର ଯେତିକି ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ଦେଇପାରିବୁ। ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଦେବ, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆମେ ଦେବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମାକାନ୍ତ ଭଟ୍ଟରାୟ, ମନୋଜ ପୃଷ୍ଟି, ଦେବ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିକାର ଓ 200 ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ ଦାବି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ସିପିଆର ବିକ୍ଷୋଭ। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ତହସିଲର କସବା ଦହପଡ଼ା ବାଲି ସୈରାଇତରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଅଭିଯୋଗ, ତୁରନ୍ତ ବାଲି ସୈରାଇତର ଲିଜ୍ ବାତିଲ ସହ ଲିଜ୍ଧାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ନଗ୍ରମ ଓ ଦହପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଳିତ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୃଥିବୀ ଦିବସ, ମାରୱାଡ଼ି ମହିଳା ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜଳଛତ୍ର। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଏଚ୍ପିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଶୋରୁମ୍, ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ମଡେଲର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ। ମାଧବ ଟେଲିଭିଜନର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।